टीजर, सॉरी, फाइटर टीजर इज अ विनर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऋतिक, दीपिका, अनिल कपूर, ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, ऐसा सुना भी है हमने। और टीजर यार, एक बात जरूर कहनी पड़ेगी कि यार ऋतिक एक अच्छा कैरेक्टर इन लोगों ने, एक अच्छा एक्टर इस रोल के लिए इन लोगों ने, मतलब डायरेक्टर का सिद्धार्थ आनंद की तारीफ इसलिए है कि यार एक अच्छा चॉइस है ये। मतलब वो बोलते हैं ना कि जस्टिस करेगा वो इस कैरेक्टर के साथ। और सीरियसली ऋतिक की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आती है कि जब भी वो कोई कैरेक्टर में घुस जाते हैं ना, एग्जाम्पल बुद्धू सुपर 30, एग्जाम्पल सबसे बेस्ट वही है। हाँ मतलब चाहे वो कोई मिल गया से हम जानते हैं, वो बात नहीं है, बात है कि डिफरेंट डिफरेंट रोल ये भी करते हैं हमेशा, बट ये थोड़ा सा चैलेंजिंग कैरेक्टर मुझे समहाउ लगता है उनके लिए ही। अगर आपने देखा होगा टीजर तो आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर है और ये रोल भी थोड़ा डिफरेंट है। और ये फिल्म ऐसी नहीं कि भाई हाँ बस मास मसाला पॉपकॉर्न ऑडियंस हो गया भाई काम, बस सीटिया वीटिया, मतलब इट्स लाइक कि एक मिशन फिल्म है ये, और लिमिटेड ऑडियंस के लिए नहीं बोल सकता मैं, होगा इसमें हंगामा भी होगा, बट ये उस टाइप की नहीं है, तो शायद सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए, नहीं ये वर्ड भी गलत है, ऋतिक के फैंस वगैरह धमाका करेंगे, बट ये एक मिशन फिल्म है और बहुत बढ़िया। वो बोलते ना 26 जनवरी के दिन, मतलब 25 को ये रिलीज़ हो रही है, लेकिन सच में यार 26 जनवरी वगैरह की जो पब्लिक है, मतलब ये यार समहाउ एक अच्छे दिन पे रिलीज़ हो रही है ताकि इसको जो वीकेंड है ना वो तगड़ा मिलेगा। और ये देशभक्ति वाली एकदम भावना है इसमें फिल्म में, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है टीजर देखने के बाद, तो सच में बहुत ज़्यादा है, ट्रेलर का इंतज़ार रहेगा। अब टीजर में इन लोगों ने जितना कुछ दिखाया है, एक बात ज़रूर कहूँगा, लुकिंग मतलब प्रॉमिसिंग है, ओके डोंट वरी, लुकिंग लाइक अ वाव नहीं बोलने वाला, इट्स प्रॉमिसिंग, ऑब्वियसली वाव है बट इट्स प्रॉमिसिंग, टेक केयर गाइस।